हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ का चैप्टर 11 वाणिज्य गणित। तो देखिए, अब ये जो चैप्टर आया हुआ है, ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग जब भी कोई कंपटीशन वाला एग्जाम देने जाएंगे, उसमें भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो इस चैप्टर में चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर सबसे ज्यादा काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वाणिज्य गणित। इसको आप लोग कॉपी में, अंक गणित के कॉपी में लिखेंगे और इसके पहले कॉन्सेप्ट को आप लोग जानेंगे। जब तक इसका कॉन्सेप्ट आप लोग जानेंगे नहीं, तब तक आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। काफी इजी होता है इसका क्वेश्चन को सॉल्व करना, लेकिन सबसे जरूरी है कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप लोग जानते हैं कॉन्सेप्ट इज पावर। जब तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, तब तक आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। तो आप लोग एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे। अगर आप लोग वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को आप लोग जरूर दबाइए, ताकि जब भी हम वीडियो डालते हैं तो आप लोग देख ही नहीं पाते हैं, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँचता ही नहीं है। अगर आप लोग घंटी वाला बटन दबाएंगे तो इससे क्या होगा, जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन उसका पहुंचता है और आप लोग वीडियो देखेंगे। तो देखिए, वाणिज्य गणित में आप लोग ब्याज से संबंधित क्वेश्चन, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज आता है, तो पूरा डिटेल में इसको जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझना है, चक्रवृद्धि ब्याज समझना है, साधारण ब्याज भी समझना है। आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर फिर से उसको रिपीट करेंगे, तो ध्यान से आप लोग इसको देखेंगे। आप लोग साधारण ब्याज पढ़ चुके होंगे और चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों को आप लोगों को जानना है। तो पहले देखते हैं हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का परिभाषा क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट तो चक्रवृद्धि ब्याज को देखिए इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखते हैं हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या है। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। जब इसको हम लोग अलग करते हैं तो देखिए, चक्र धन वृद्धि, अब इसका मतलब क्या हुआ, चक्र मींस एक चक्र के साथ, मींस एक निश्चित समय के साथ उसमें वृद्धि होती है, मींस उसमें बार बार वृद्धि होती है चक्र वृद्धि में। तो इसका मतलब आप लोग क्या समझेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ये ब्याज पर भी ब्याज लगता है। जैसे आप लोग मान लीजिए किसी से उधार लेने जाते हैं, आप लोग कोई आपको उधार दे रहा है 1000 रुपया और कह रहा हम 10% ब्याज लेंगे एक साल का। आप लोग मान लीजिए 2 साल के लिए ले रहे हैं, तो चक्र ब्याज तो केवल उसका हुआ मान लीजिए 10 रुपया एक साल का, तो 2 साल का हो गया 20। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि 20 ही रुपया नहीं, पहले साल में मान लीजिए 1000 रुपया आप लोगों ने लिया था ब्याज और 10 रुपया आप लोगों का ब्याज हुआ, तो 1010 रुपया हो गया। अब अगले साल में जो ब्याज आप लोगों का लगेगा वो 1010 रुपया पर लगेगा, तो यही चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, ब्याज पर ब्याज, इसी को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि मींस देखिए, एक चक्र के अनुसार वृद्धि कैसे होता है। मान लीजिए यहां पर आप लोगों ने 100 रुपया लिया था, मान लीजिए अगर 100 रुपया आप लोगों ने लिया था 10% ब्याज से, तो एक साल जैसे ही एक चक्र पूरा हुआ, मान लीजिए एक साल पूरा हो गया इसका, एक साल पूरा हुआ तो अब जो पैसा था 100 का 10, तो 10 रुपया और, मीन्स 110 रुपया हो गया। अब मान लीजिए फिर अगर दूसरे साल के लिए वो जाएगा तो 110 रुपये पर ब्याज लगेगा। तो यही एक चक्र के अनुसार ये वृद्धि होता है, मीन्स ब्याज पर वृद्धि होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है।
इसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो इसको और डिटेल में और आसानी से और इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों को यहां पर एग्जाम्पल से समझाते हैं, तब आप लोगों को क्लियर पता होगा। तो देखते हैं, मान लीजिए यहां पर हमने लिखा साधारण ब्याज और यहां पर हमने लिखा चक्रवृद्धि ब्याज। ध्यान से आप लोग कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे, यहां से आप लोग अभी पता चलेगा कि साधारण ब्याज क्या है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए साधारण ब्याज का यहां इंग्लिश हम लोग लिखते हैं, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसको भी आप लोग याद रखते जाएंगे, जो सिंपल इंटरेस्ट है इसको शॉर्ट में SI कहते हैं। जब भी मैथ में आप लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो हमेशा SI शॉर्ट में देगा, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा इसको हमेशा CI करके देगा। तो आप लोग समझ जाएंगे कौन क्या है। अब देखिए, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज को समझते हैं हम लोग, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। तो देखिए होता क्या है, साधारण ब्याज कैसे समझेंगे। जैसे मान लीजिए आप लोगों में से कोई गया किसी बैंक से लोन लेता है या किसी से लोन लेता है, मान लीजिए ध्यान से समझेंगे आप लोग, 100 रुपया कोई बैंक से लोन लिया, 100 रुपये का या उधार लिया, कितने दिन के लिए, ईयर, 3 ईयर मीन्स 3 साल के लिए, कितना परसेंट पर, 10% पर। ध्यान से समझिएगा, अभी साधारण ब्याज हम बता रहे हैं, इसका फार्मूला भी होता है और उसका भी होता है, लेकिन देखिए। तो देखिए मान लीजिए 100 रुपया कोई उधार लिया बैंक से 3 साल के लिए, और 10% ब्याज पर, मीन्स 1 साल का ब्याज कितना होगा, 10%। अब आप लोग ध्यान से यहां समझिएगा, यहां पर मान लीजिए हम इसको बनाते हैं 3 भाग में समझने के लिए आप लोगों के। अब देखिए, कोई मान लीजिए 100 रुपया लिया, ये 1 साल है, ये मान लीजिए 1 साल है, 1 ईयर, ये 2 ईयर और ये 3 ईयर। ध्यान दीजिएगा, तो 3 साल के लिए 100 रुपया, यहां से 100 रुपया जब था, 100 रुपया 1 साल जब पूरा हुआ तो उसका ब्याज कितना होगा। तो ब्याज देखिए कैसे निकालते हैं, 100 का 10%, यानी कि 100 × 10/100 करेंगे, तो 100 का 10% पहले साल के लिए, मान लीजिए 100 रुपया इसने उधार लिया, 1 साल पूरा हुआ, 10% ब्याज तीन साल के लिए लिया, तो पहले साल में कितना उसको देना होगा ब्याज, 1 साल का ब्याज कितना हुआ, 100 का 10% ब्याज। तो 2 जीरो देखिए, 2 जीरो काट देंगे, 10 का 1 में गुणा जब करेंगे, 1 का मतलब कुछ नहीं, तो 10 ही होगा, यानी कि 10 रुपया पहले साल के लिए क्या हुआ, ब्याज हो गया, पहले साल का ब्याज कितना हुआ, 10 रुपया, बैंक से लिया 3 साल के लिए, 3 साल पर इसको वापस लौटाना पैसा। अब देखते हैं दूसरे साल के लिए, फिर देखते हैं, अब मान लीजिए यहां से यहां दूसरा साल है, दूसरे साल भी क्या होगा, 100 का 10% लगेगा दूसरे साल के लिए भी, इसमें भी 0 × 0 = 10 में गुणा करेंगे तो 10 रुपया ये भी हो गया। तो देखिए दूसरे साल भी 10 रुपया, 100 रुपया ये उधार लिया था, अब 10 रुपया यहां भी बढ़ गया है, और 10 रुपया दूसरे साल में भी बढ़ गया है, अब तीसरे साल के लिए, तीसरे साल भी क्या होगा, 100 पर फिर से 10 रुपया, मीन्स 1 साल में 10% बढ़ता है, तो हर साल 10% बढ़ेगा। तो देखिए फिर से क्या होगा, वही काम फिर से हो जाएगा, यहां भी 10 रुपया। इतना आप लोग ध्यान से समझेंगे, तो देखिए जब 1 साल में 10, दूसरे साल में भी 10 और तीसरे साल में भी 10,
तो अब जो पैसा कोई आदमी था 100 रुपया उधार लिया था बैंक में, जब 3 साल के बाद उसको देना होगा तो कितना रुपया वो वापस करेगा? तो देखिए 10 रुपया इस साल बढ़ा, 10 रुपया इस साल बढ़ा, 10 रुपया इस साल, यानी कि उसको कितना और ज्यादा देना होगा? 30 रुपया उसका क्या हो गया? ब्याज हो गया 3 साल का। हर साल 10-10 रुपया बढ़ा तो ब्याज उसका कितना हुआ? 30। केवल ब्याज लिखेगा तो आप लोग समझेंगे साधारण ब्याज, तो ब्याज उसका हुआ 30 रुपया। अब ये वापस कितना करेगा बैंक को लास्ट में आते आते? 100 रुपया तो लिया था और 30 रुपया ये, तो 130 रुपया ये पूरा वापस करेगा, जबकि ब्याज कितना हुआ? 30 रुपया ब्याज हुआ, और 100 रुपया तो पहले लिया ही था तो वो तो ब्याज में नहीं। अगर कोई ब्याज पूछता है तो कितना हुआ? 30 रुपया। तो आप लोगों को आया बात समझ में इतना कि अगर कोई ब्याज 100 रुपया 10% पर लिया, 3 साल के लिए लिया, तो हर साल 10-10 रुपया बढ़ा तो 130 रुपया हो गया, मीन्स 30 रुपया ब्याज और 100 रुपया मूलधन। तो इस तरह से आप लोगों ने ये साधारण ब्याज समझा। अब आप लोग समझेंगे चक्रवृद्धि ब्याज कैसे लगता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं, तो चक्रवृद्धि का मतलब आप लोग समझेंगे एक चक्र में, एक चक्र के अनुसार ब्याज लगेगा, इसमें दूसरे तरह से अंतर होगा। देखिए कैसे पैसे पर, अब मान लीजिए वही पैसा है 100 रुपया है, और 100 रुपया और 3 साल के लिए भी यहां वही सब कुछ, 3 साल के लिए कोई बैंक से लोन लिया 100 रुपया 3 साल के लिए, कितने पर? 10% ब्याज पर। तो देखिए ये चक्रवृद्धि क्या हुआ, चक्र मीन्स समझिए चक्कर, और वृद्धि मीन्स बढ़ोतरी, तो हर चक्कर के बाद बढ़ोतरी उसमें होती है, यानी कि ब्याज पर भी ब्याज। कैसे समझते हैं यहाँ, 100 रुपया पर मान लीजिए कोई बैंक से लिया लोन, और 10% ब्याज पर, और 3 साल के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, तो मान लीजिए यहाँ से 1 साल इसका पूरा हुआ, ऐसे मान लीजिए 1 साल पूरा हुआ, तो 1 साल का ब्याज कितना हुआ? 100 पर, जब ब्याज हम लोग निकालेंगे 10%, तो 10/100 करते हैं, 100 का 10% करेंगे, 100 का 10% मीन 100, ऐसे 100 का 10/100 करेंगे, तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो ये भी 10 का 1 में गुणा हुआ तो 10 रुपया हुआ। तो देखिए ब्याज ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ निकला था 10 रुपया वैसे यहाँ भी हुआ 10 रुपया, लेकिन अब 1 साल जब इसका कंप्लीट हुआ, एक चक्कर इसका पूरा हुआ, तो 3 साल के लिए लिया, तो 100 रुपया था, 100 रुपया था, और 10 रुपया अब इसमें और आया, अब ये पैसा 1 साल में कितना बन गया? 110। ध्यान यही देना है, देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पर आता है, 100 रुपये का पहले साल के लिए ब्याज क्या हुआ? 10 रुपया, यानी कि अब जो पैसा बन गया यहाँ 1 साल में आके वो 110 पर ब्याज लगेगा। यहाँ क्या था, हर साल 100 पर ही ब्याज लगा, 100 पर 10, 100 पर 10, लेकिन इसमें ब्याज पर भी ब्याज लगता है, इसी को चक्रवृद्धि ब्याज, एक चक्र के बाद बढ़ोतरी हो जा रही है ब्याज में। पहले 100 रुपया था तो 100 पर ही 10 रुपया ब्याज लगा है, देखिए 10% का मतलब 10 रुपया हुआ, तो 100 पर ही ब्याज लगा तो 10 रुपया ब्याज हुआ उसका 1 साल में, लेकिन अब दूसरे साल के लिए जब ब्याज फिर से आएगा, जब दूसरे साल के लिए, तो कितने पर लगेगा? अब तो पैसा यहाँ आके पहले साल में 110 रुपया हो गया है, तो अब दूसरे साल के लिए जब ब्याज लगेगा, ये मान लीजिए पहले साल के लिए हुआ, अब जब दूसरे साल के लिए ब्याज लगेगा तो पैसा 100 पर नहीं, अब कितने पर? 110। चक्रवृद्धि, एक चक्र के बाद क्या हुआ, वृद्धि हो गई पैसे में, अब ब्याज पर भी ब्याज लग रहा है, पहले 100 था, 1 साल में 10 रुपया बढ़ा, अब हो गया 110, अब जो दूसरे साल का ब्याज लगेगा 110 पर 10% लगेगा 10/100, बस यही है चक्रवृद्धि ब्याज। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल करते हैं, 11 का 1 में जब गुणा करेंगे तो 11 रुपया। अब देखिए पहले साल में 10 रुपया बढ़ा, दूसरे साल में 11, चक्रवृद्धि ब्याज यही है, ब्याज पर भी ब्याज। अब देखिए जब पैसा फिर से जा रहा है, अब कितना जुड़ जाएगा? 11 और जुड़ गया, अब जो पैसा हो गया तीसरे साल के लिए 121 हो गया, अब पैसा अब तीसरे साल का जो ब्याज लगेगा तीसरे साल के लिए वो कितने पर लगेगा? पहले 100 था, 100 पर 10 लगा तो 110 रुपया हो गया,
अब 110 पर लगा दूसरे साल में तो 11 रुपया और बढ़ा, तो 110 और 11 दूसरे साल में बढ़ गया तो हो गया 121 रुपया। अब तीसरे साल का जो ब्याज लगेगा 121 का 10% लगेगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे, 121 में एक का गुणा, 121 में जब 10 से भाग करेंगे तो 12.1 रुपया होगा। अब देखिए पहले साल का ब्याज हुआ 10, दूसरे साल का 11, तीसरे साल का 12.1 रुपया, और इसमें क्या था हर साल 10 ही, क्योंकि ये मूल पैसे पर ही तीनों साल ब्याज लगता है साधारण ब्याज में, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज वाले पैसे पर भी ब्याज लगता है, बस यही दोनों में अंतर होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है और इसमें केवल मूलधन पर ही ब्याज लगता है। तो देखिए अब ये तीनों ब्याज क्या हुए, पहले साल का ब्याज 10 रुपया, दूसरे साल का ब्याज 11 और तीसरे साल का ब्याज कितना है 12.1, तो हो गया कितना 33.1 रुपया। अब देखिए इसका ब्याज तीन साल का हुआ चक्रवृद्धि ब्याज का 33.1 रुपया और इधर 30 ही रुपया, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में बढ़ गया है ब्याज, क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो ये होता है इसका कॉन्सेप्ट चक्रवृद्धि ब्याज का है, जो ब्याज पर भी ब्याज लगे, साधारण ब्याज क्या है जो केवल मूलधन पर ही ब्याज लगे। तो इस तरह से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो देखिए अब जो इसको तीन साल में पैसा लौटाना होगा वो कितना लौटाएगा, 100 प्लस 33.1 यानी कि 133.1 रुपया लौटाना होगा, और यहां कितना लौटाना था 130 ही रुपया लौटाना था। तो दोनों में देखिए काफी अंतर हो गया है। अब देखिए जब साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का नाम आ गया है तो हम लोग इसके फार्मूला को पढ़ते हैं। ये तो हमने कॉन्सेप्ट से निकाला था, इसको फार्मूला से कैसे निकालते हैं अब वो आप लोग देखेंगे। तो देखते हैं, तो अब देखते हैं हम लोग फार्मूला। साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फार्मूला, दोनों हम इसलिए बता रहे हैं इस चैप्टर में आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज ही पढ़ना है, लेकिन यहाँ साधारण ब्याज भी आप लोगों को समझना जरूरी है। तो देखिए साधारण ब्याज के लिए जो फार्मूला होता है लिखते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो देखिए मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये होता है साधारण ब्याज के लिए, आप लोग पढ़ चुके होंगे फार्मूला। क्वेश्चन हम ये देखिए जब तक कॉन्सेप्ट आप लोग नहीं जानेंगे, फार्मूला को समझेंगे नहीं तो क्वेश्चन नहीं, एकदम क्वेश्चन हलवा बन जाएगा जब आप लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। वृद्धि ब्याज निकालने का जो फार्मूला है इसके लिए दो फार्मूला एक ही में यूज करना पड़ेगा। पहले हम लोगों को निकालना होता है मिश्र धन, देखिए फार्मूला ये पहले उपयोग में लाएंगे, अभी हम पूरा डिटेल में बताएंगे। ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपान 100 का पावर एम, देखिए ये फार्मूला होगा, ये पहले इससे आप लोग निकालेंगे ए ए पी आर एन क्या है, पूरा भी फार्मूला में हम बताएंगे। दो फार्मूला का यूज करेंगे तब निकलेगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए इसमें कौन क्या होता है, जहां ए बराबर, इसमें पहले लिखते हैं कौन क्या है, ए को कहते हैं हम लोग मिश्र धन, ए को क्या कहते हैं मिश्र धन, पी बराबर होता है मूलधन, पी बराबर होता है मूलधन, आर बराबर होता है दर, दर हमेशा परसेंट में जो दिया रहेगा वही दर होता है, एन का मतलब होता है समय, समय को एन से लिखा गया है टी से नहीं, टी मीन्स टाइम होता है लेकिन एन से यहां समय को लिखा गया है चक्रवृद्धि ब्याज वाले फार्मूले में।
ये आप लोगों को याद रखना जरूरी है, लेकिन यही क्वेश्चन इस पर सॉल्व करने हैं, और जितने भी आगे आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाएंगे तो यही चक्रवृद्धि ब्याज से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए ए को क्या कहते हैं, मिश्रधन, पी को क्या कहते हैं, मूलधन, आर दर को कहते हैं, एन समय को। फार्मूला को कैसे पढ़ेंगे, ए इक्वल पी इंटू, इंटू मीन्स गुड़ा, 1+R/100 का पावर एन, ये होता है फार्मूला। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए पहले इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, इसके बाद से देखिए एक और फार्मूला प्रयोग करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का। यहां लिखेंगे नीचे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला ये है, मिश्रधन माइनस मूलधन, ये फार्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का। लेकिन ये फार्मूला का यूज कब कर पाएंगे, जब ये फार्मूला यूज करेंगे। ये हमने समझने के लिए बीच में लिख दिया, तो पहले यहां से आप लोग देखिए मिश्रधन निकालेंगे। मिश्रधन किसको कहते हैं और मूलधन किसको, जैसे मान लीजिए हम कोई किसी से उधार पैसा ले रहे हैं या बैंक से लोन ले रहे हैं या कुछ भी, तो जितना पैसा हम ले रहे हैं उसी को कहते हैं मूलधन, पी कहते हैं मूलधन। जितना पैसा हम उधार मान लीजिए बैंक से लेंगे, मान लीजिए हमने 1000 रुपया उधार लिया, तो उसी को क्या कहेंगे, मूलधन, ठीक है। मिश्रधन किसको कहेंगे, मान लीजिए हमने 1 साल के लिए उधार लिया और अब हम उसको लौटा रहे हैं बैंक को वापस, तो हम 1000 लिए हैं उधार, तो 1000 तो नहीं लौटाएंगे, उसमें कुछ ब्याज भी हमको देना पड़ेगा, तो जितना टोटल पैसा हम वापस देंगे उसी को कहते हैं मिश्रधन। मिश्र मीन्स एक में मिल गया है, मिला हुआ धन, तो मिला हुआ धन कौन, जो हमने बैंक से लिया था वो, और जो हमने अब उसको ब्याज भी दिया है, ब्याज भी हम दे रहे हैं उसमें मिलाकर, उसी को कहते हैं मिश्रधन। मिश्र का मतलब समझ लेंगे मिला हुआ धन, मिश्रधन मीन्स मिला हुआ धन, तो मिला हुआ कैसा, एक में मिला हुआ, तो कैसा मिला हुआ, तो जो मूलधन हमने जो उधार लिया था और जो हम मिलाकर अब ब्याज भी दे रहे हैं, तो वही मिश्रधन। मूलधन केवल जो पैसा हमने लिया उसको। दर कितना परसेंट ब्याज, 10%, 5% कितना हमने ब्याज लिया है उसको कहते हैं दर। आर समय, कितने समय के लिए, तो एन का मतलब समझ जाएंगे समय। और यहां चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, ये फार्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज का, इसको लगाने के बाद ये लगाएंगे। अब आप लोग देखेंगे छमाही के लिए, लिखेंगे यदि ब्याज छमाही, छमाही को देखिए 6 महीना समझेंगे, छमाही को अर्धवार्षिक भी कहते हैं, अर्धवार्षिक देय हो तो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोग फार्मूला समझ के याद रखेंगे। देखिए यदि ब्याज छमाही, छमाही को अर्धवार्षिक कहते हैं, छमाही का नाम आ जाएगा या अर्धवार्षिक का नाम आ जाएगा, तो आप लोगों को क्या करना होगा, तो क्या करेंगे, दर में छमाही का मतलब देखिए क्या हुआ, छमाही का मतलब 6 महीना मीन्स 1 साल का 2 भाग, 6, 6, 12, 2 मीन्स छमाही कितने होंगे, 1 साल में कितने छमाही होंगे, 2 ही होंगे, 6 महीना, 6 महीना, 12 महीना होता है, मीन्स 2 छमाही। अगर पूछता है 1 साल में कितने छमाही या कितने अर्धवार्षिक होते हैं, तो क्या आप लोग बताएंगे, 2। तो याद क्या रखेंगे, जब ये क्वेश्चन में पूछे जाएंगे छमाही अर्धवार्षिक नाम देके, तो आप लोग क्या करेंगे, दर में जो दर दिया होगा उसमें 2 से भाग तथा समय में 2 से गुणा करेंगे,
ये आगे क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें हम बताएंगे, इसको आप लोगों को याद रखना है। देखिए जब छमाही का नाम आ गया तो एक साल में दो छमाही, छह छह महीने का मतलब दो छमाही होता है, तो दो से दर में भाग करना होगा और समय में दो से गुणा करना होगा, तब फार्मूला लगा के आप लोग सॉल्व करेंगे जब छमाही दिया होगा। और इसी तरह से अगर मान लीजिए तिमाही दिया होगा, यदि ऐसे लिखते हैं, यदि ब्याज तिमाही देय हो तो, देखिए अगर ब्याज तिमाही कहेगा, तिमाही का नाम आ जाएगा, तो तिमाही कितने होंगे एक साल में, पहले ये देखिए, तिमाही का मतलब तीन तीन महीने का अंतर, तो तीन तीन छ तीन नौ तीन बारह, देखिए तीन तीन छ तीन नौ तीन बारह, तो कितने तिमाही हो रहे हैं, एक दो तीन चार, तिमाही का मतलब तीन तीन महीना, तो कितना तीन तीन महीना हो रहा है एक साल में, तीन तीन छ तीन नौ तीन बारह, एक दो तीन चार हो रहा है ना, चार, तो चार जब हो रहा है तो चार से क्या करेंगे, दर में चार से भाग तथा समय में चार से गुणा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जब क्वेश्चन में आएगा ऐसे तो इसका यूज हम बताएंगे कि क्या है इसका मतलब, तो इसको आप लोगों को लिख लेना है कॉपी पर फार्मूला के रूप में। अगर कोई पूछता है एक साल में कितने छमाही होंगे तो आप लोग बताएंगे दो, अगर कोई पूछता है एक साल में कितने तिमाही होंगे तो बताएंगे चार। अब देखिए, तो अब आप लोगों को क्या करना है, अगले चैप्टर में बस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, काफी आसान लगेगा एक्सरसाइज आप लोगों को। तो आज के लिए बस इतना ही।